ये देखिए गाइस, बहुत यम्मी सी टेस्टी सी रेसिपी आज हम बनाने जा रहे हैं। देखिए, खरबूजे का सेक और खरबूजे का शरबत आप लोगों ने बहुत पिया होगा, मगर खरबूजे के बीज से बनी हुई रेसिपी नहीं पी होगी। तो चलिए, आज हम बनाने जा रहे हैं खरबूजे के बीज से शरबत, जो कि आपको छीलने का भी झंझट नहीं है और ये बहुत हेल्दी होते हैं खरबूजे के बीज। तो चलिए बनाते हैं। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में। गाइस, ये देख लीजिए, हमने ले लिया है एक खरबूजा और इसके हम बीजों से बनाएंगे बहुत टेस्टी बहुत यम्मी से रिफ्रेशिंग ड्रिंक। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो ये हमने एक खरबूजा ले लिया है, इसको करेंगे कट। ये देख सकते गाइस, क्योंकि बीजों को छीलना बहुत संकट का काम होता है, मगर बीजों में ऐसे ऐसे गुण पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर को पूरा टाइम ठंडक और हेल्दी रखते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हम बीज निकाल लेंगे और इसको हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ऐसे तो बीज छीलना बहुत झंझट है, नहीं छील पाएंगे। तो घर में जो आए हुए अभी इस समय पर खरबूजे खूब मिलते हैं, तो इन बीजों को आप क्यों फेंकें, बर्बाद करें, इनका कर लें इस्तेमाल। तो चलिए देखते हैं, निकाल कर रख लिए बीजों को और करेंगे ग्राइंड। देखिए गाइस, हम थोड़ा सा ले लिया, देखिए मीडियम साइज़ का जार, इसमें डाल देंगे अपने खरबूजे के बीज। और गाइस, इसमें हम पानी नहीं ऐड करेंगे। आप अगर सिर्फ खरबूजे के बीज का बनाना चाहते हैं तो आप पानी ऐड कर सकते हैं, मगर हम इसमें थोड़ा सा दो पीस खरबूजा ऐड करेंगे, जिससे कि थोड़ा सा ये गाढ़ा ड्रिंक बने, ठीक है। क्योंकि अगर खरबूजा नहीं ऐड करेंगे तो थोड़ा सा पतला ड्रिंक बनेगा, बस इतना ही फ़र्क रहेगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये देखिए, दो पीस हमने ऐड कर दिए हैं और अब इसमें डालेंगे टेस्ट के हिसाब से चीनी। तो हम इसमें डाल देंगे 4 टेबलस्पून चीनी, और इतने एक खरबूजे के बीज से 2 ग्लास ड्रिंक बहुत अच्छे से बनकर तैयार होगी। तो देखिए, ये हमने ग्राइंड कर लिया है, इसको थोड़ा सा और ग्राइंड कर लेंगे। इसमें गाइस क्या होगा ना, खरबूजे के जो बीज के ऊपर की जो मजबूत सतह होती है वो पिस जाएगी और वो रह जाएगा, तो वो हम निकाल देंगे क्योंकि छीलने में आफत लगती है। इस तरह से बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने एक कपड़ा ले लिया है, ये देखिए हमने दुपट्टे का कपड़ा लिया है, क्योंकि दुपट्टे का कपड़ा सबके यहाँ दुपट्टा सबके यहाँ होता है। तो इसी तरह से हम छान लेंगे और इसमें जो फाइबर्स रह जाते हैं, जो बीज के ऊपर का छिलका रह जाता है, वो सारा इसमें रह जाएगा, बाद बाकी सारा कुछ पिस जाएगा। तो इसको हम इस तरह से करते हुए छान लेंगे बहुत अच्छे से, फिर छानने के बाद इसको इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, हमारा छान रहा है गाइस, ये हेल्दी बहुत होता है। पूरा समर आप ये पियेंगे ना, आपको कभी गर्मी नहीं लगेगी और आपका पेट भी ठंडा रहेगा। बच्चों को तो ये बहुत देना चाहिए, ज़रूरी है। तो देखिए, छन गया है, तो ये इस तरह से जो खरबूजे के बीज की खोई बची है इसको हटा देंगे और हमारा ड्रिंक तैयार है। तो ये देख सकते हैं, बहुत थोड़ी सी बची है। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि खरबूजे का सारा पार्ट हमने इस्तेमाल कर लिया है, बीजे भी। तो ये देखिए, छन करके आ गया है ड्रिंक। तो चलिए, इसको हम करते हैं सर्व। तो देखिए, इस तरह से हम अपने हाफ हाफ ग्लास को पोर करेंगे और अब इसमें हम ऐड करेंगे पानी, ठंडा चिल्ड पानी लेंगे। तो इसको हम ग्लास को भर देंगे ठंडे पानी से। ये देखिए इस तरह से, तो ये भर गया है हमारा ग्लास, आप देख सकते हैं। एक बात और गाइस, हमारे यहाँ थोड़ा सा लाइट की दिक्कत होती है, इस वजह से बर्फ़ वगैरह नहीं जम पाती है। तो देखिए, हल्की फुल्की बर्फ़ जम गई है, तो वो हम डाल रहे हैं। तो आप इसकी जगह पर आप ज़्यादा बर्फ़ भी ऐड कर सकते हैं और अपने हिसाब से पी सकते हैं। तो ये देखिए, रिफ्रेशिंग ड्रिंक बनकर तैयार है, बच्चों को बड़ों को सभी को बहुत पसंद आने वाली है, जो कि बहुत आसानी से 2 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है और ये बहुत हेल्दी है, पेट को हमेशा ठंडक रखेगी। तो ये देखिए, बर्फ़ डालने के बाद हमने थोड़े से कटे हुए क्यूब्स डाल दिए हैं, जो कि मुँह में ये जंग्स जाएंगे तो बहुत अच्छा बहुत टेस्टी लगेगा। तो इस तरह से हमने ये सर्व कर दिया है। तो अगर हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और गाइस, ये बच्चों के लिए बहुत हेल्दी है, तो ज़रूर से ज़रूर इसे बनाएं गर्मियों में और अपने कमेंट हम तक शेयर करें कि आप लोगों की रेसिपी कैसी लगी है। और नेक्स्ट डे बताइए।